हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइटिका के बेस्ट मेडिसिन के बारे में, जो दोनों तरफ से साइटिका होती है। क्योंकि ये ठंडा का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोग साइटिका के बीमारी से परेशान हैं। साइटिका की अपनी एक लक्षण होती है, आप साइटिका को कैसे जानेंगे कि मुझे साइटिका से प्रॉब्लम्स है या मुझे साइटिका होने लगे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम जिस बात मेडिसिन की बात कर रहे हैं वो है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम की खासियत साइटिका में और ख़ास करके ठंड में होने वाली साइटिका की सबसे बेस्ट मेडिसिन विस्कम एल्बम है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या सिम्टम्स हैं और कब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुंचाते रहें। जनरली साइटिका को आपको जानने की सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब दर्द कमर से लेकर पैर तक यानी नीचे आपके हील तक दर्द होने लगता है तो वो बीमारी आपको साइटिका के काफ़ी हद तक करीब ले जाती है। कुछ ऐसे भी केस आते हैं जिसमें साइटिका के मरीज को चलने में दिक्कत होती है, कुछ ऐसे भी केस आते हैं जिसमें मरीज को चलने से आराम मिलता है, दर्द आराम रहता है और जब बैठ जाता है तो दर्द उसकी उसका पैर पूरा फटने लगता है, ये भी साइटिका है। कुछ लोग साइटिका के जो पेशेंट हैं उनको थोड़ी दूर चलने से आराम मिलता है, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं और फिर जब थोड़ा देर बैठ जाते हैं तो आराम मिलता है, फिर थोड़ा दूर चलते हैं, इस क्रम के भी साइटिका के पेशेंट मिलते हैं और वो भी साइटिका ही हैं। ऐसे तमाम बहुत सारे मैसेज आए साइटिका की एक कोई मेडिसिन बताइए जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रिजल्ट देती है, और ख़ास करके दोनों तरह के साइटिका में विस्कम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। तो आप पहचानने का यही तरीका है कि विस्कम एल्बम मदर टिंचर लेंगे आप, ख़ास करके विस्कम एल्बम गठिया, बात और साइटिका दोनों की सबसे बेस्ट मेडिसिन से। अगर दोनों तरफ में दर्द हो, कमर से लेकर नीचे तक दर्द हो, थोड़ा सा चलने से राहत मिलता है, तो ऐसे कंडीशंस में आप विस्कम एल्बम लेंगे मदर टिंचर पोटेंसी में, 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह, फिर दोपहर, फिर रात। इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है R89। चूँकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एनाल्जेसिक के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। R89 को आप ले लें और 15-15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लो। ये वो दो मेडिसिन हैं जो आपको ठंड में होने वाली साइटिका को काफ़ी हद तक राहत देती है। अब हम बात करते हैं जनरली साइटिका के किन किन कंडीशंस में आपको साइटिका हो सकती है और जब इससे आराम मिलने लगे। जैसे एक मैसेज आया था कि विस्कम एल्बम लेने के बाद मुझे राहत हो गया है तो अब मुझे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जब साइटिका की पहली डोज पड़ जाती है, पहली डोज 15 बूंद या 20 बूंद हो, 20 बूंद आधा कप पानी में डालकर लें दिन में 3 बार, जब आराम मिलने लगे तो विस्कम एल्बम क्यू पोटेंसी को आप रोक देंगे और विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में आप लेंगे। 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज़ सुबह खाली पेट लें और शाम को R89 15 बूंद एक टाइम लें। धीरे धीरे 2 से 3 महीने में आपको राहत मिल जाती है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आपके दर्द बढ़ जाती है, जिसको आप दवा काम नहीं कर रही है ऐसा सोचने लगते हैं। जैसे आप सामने अगर झुकते हैं तो भी आपको दर्द बढ़ जाएगा, कमर से कोई भारी काम कर लेते हैं तो भी दर्द बढ़ जाएगा। तो इसको आप ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई होम्योपैथिक दवा खाने के बाद दर्द बढ़ गया। साइटिका में खास तौर पे आपको सामने झुकना, भारी सामान उठाना, ठंड वाले मौसम में या पानी में जाने से भी दर्द बढ़ जाता है। कुछ लोगों को कुछ दूर ज़्यादा चल लेने के बावजूद भी दर्द बढ़ जाता है। तो ये चारों वो कंडीशंस हैं जो आपको साइटिका में परहेज करना है। और खाने में आपको ख़ास तौर पे चावल का परहेज करें तो बहुत ज़्यादा आराम देता है, धीरे धीरे आपको साइटिका काफ़ी हद तक रिमूव करता है।
एक और मेडिसिन आती है कैली ऑब्जेलिक। कैली ऑब्जेलिक का पेशेंट को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो और फिर वो दर्द नीचे की तरफ जाए तो आप कैली ऑब्जेलिक ले सकते हैं। ख़ास तौर पे कैली ऑब्जेलिक में भी दर्द चलने से थोड़ा सा राहत होता है, लेकिन फिर उसके बाद दर्द नियमित और यथावत रहता है। विस्कम एल्बम सू पाने में असमर्थ होता है। कलेजा मतलब सीने पे बहुत भारीपन जैसा महसूस होता है। इसके अलावा अगर हार्ट की तकलीफ़ है यानी सांस फूलने की भी तकलीफ़ है तो भी आप विस्कम एल्बम क्यू को गर्म पानी में 15 बूंद आधा कप पानी में डाल कर लें दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। आपको सांस फूलने की बीमारी और दोनों तरफ की साइटिका की एक मात्र ये मेडिसिन विस्कम एल्बम यूज़ करती है। इसके अलावा आपको परहेज में सोने पे आप बराबर चारपाई पे नहीं सोना है, आप तख्ता ले लें या पलंग ले लें जो बराबर हो उस पे सोएं। इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है काली आयोड। काली आयोड भी और विस्कम एल्बम दोनों में यही अंतर होता है कि विस्कम एल्बम का पेशेंट थोड़े दूर चलता है तो उसको आराम मिलता है, फिर उसके बाद दर्द बढ़ जाती है। काली आयोड का जो पेशेंट होता है वो जब ज़्यादा दूर तक चलता है तो उसको दर्द आराम हो जाता है, फिर जैसे ही वो बैठता है तो बैठने के बाद दर्द बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशंस में आपको R89 लेना है। R89 जनरली एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ की जाती है, जिसमें रस्टक्स है, रूटा है, मैकफॉस है। मैकफॉस दर्द के लिए पेन किलर के रूप में यूज़ की जाती है, तो आप मैकफॉस इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी रिक्वेस्ट की या जर्मन कंपनी रिक्वेस्ट की ही आती है, R89 ले लें एनाल्जेसिक के रूप में 15-15 बूंद दिन में 3 बार लें और विस्कम एल्बम को 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। इसके अलावा विस्कम एल्बम खास तौर पे उस गठिया के मरीजों को भी यूज़ किया जाता है जिनके दाहिने साइड के जोड़ों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप गठिया से पीड़ित हैं और दर्द आपका बढ़ जा रहा है, चलने से थोड़ा सा राहत मिल रहा है, तो आप ऐसे कंडीशंस में विस्कम एल्बम यूज़ कर सकते हैं। विस्कम एल्बम एक और बीमारी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि विस्कम एल्बम का वर्क मेनिनजाइटिस यानी दिमाग के सूजन पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित हैं और आप साइटिका से भी पीड़ित हैं, बहुत सारी साइटिका, तो विस्कम एल्बम ही आपको हाई ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेगी और साइटिका के पेन को काफ़ी हद तक आराम देती है। जनरली विस्कम एल्बम के हाई ब्लड प्रेशर में सर बहुत ज़्यादा तन जाता है, दर्द करना शुरू करता है। इसके अलावा पूरी नसें ऐसा महसूस होता है कि फटने लगती हैं। ख़ास तौर पे जब विस्कम एल्बम आप लें और बीपी के लिए ले रहे हैं तो आपको 30 बूंद लेना है। 30 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर सुबह में खाना खाने के बाद लीजिए और 30 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर रात में सोते समय लीजिए। दोनों ही कंडीशंस में 1 हफ्ता लेने के बाद आपको धीरे धीरे ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल होने लगता है। और अगर आपको साइटिका की बीमारी है यानी दोनों साइड कमर में दर्द हो के नीचे तक आती है तो आपको साइटिका भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो विस्कम एल्बम ही एक ऐसा बेस्ट मेडिसिन है जो ठंडियों में दोनों तरफ की साइटिका को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको परहेज़ करना है और ज़्यादा अगर कमर में दर्द है तो काली ऑब्जेलिक ले लें, अगर ज़्यादा चलने से राहत मिलता है तो काली आयोड ले लें। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। यूज़ करने के बाद अगर कोई दिक्कत महसूस हो तो ज़रूर व्हाट्सअप कर दें या वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, हम कोशिश करेंगे आपको निश्चित टाइम पे तो नहीं लेकिन ज़रूर रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट।